सैनी भोजनालय है और इधर कोई नाम नहीं है, और एक पीछे है श्री राम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, वो पीछे होती है। तो चलिए चलते हैं हम सैनी भोजनालय पे, और सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको क्या क्या है। ये है कढ़ी, इसमें क्या है उड़द, चलाना जरा पाल्टी खाओ पहले। और ये है उड़द, और इसमें क्या है छोले, चलाओ। और क्या क्या है, और भैया कहाँ है, आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष चलो हर्ष। और चावल की क्वालिटी दिखाना एक बार और शरफ में आ जाओ, दे रहा हूँ तो। और देखो ये हर्ष है, और इनका जो ये रेहड़ी है ये है आपका सैनी भोजनालय, और जगह है ये जब आप इधर से आएंगे नगीना चौराहे की ओर से रोडवेज बस स्टॉप जाने के लिए तो वहीं पर। और दोपहर को बहुत अच्छा रश रहता है, लोग खाने आते हैं, और इनके बराबर में एक रेहड़ी और लगी हुई है यहाँ पर अपोजिट एक्सिस बैंक के। और उनका क्या नाम है, विपिन। चलिए मैं इनको भी दिखा दूँगा आपको। और ये है विपिन भैया। विपिन जी क्या क्या है? सब है, सब है। चावल, छोले, कढ़ी, दाल, सब्जी, रायता। और ये रायता। और ये क्या है विपिन? आलू और छोले। चलाना जरा क्वालिटी दिखाओ। आलू और छोले। आलू छोले, आलू सोयाबीन, और इसमें उड़द है, छोले हैं ये। और देखिए जो है सुबह को कितने बजे से लग जाता है विपिन? 7 बजे से। और शाम को कितने बजे तक? 4 बजे तक। और बहुत सारे लोग देखिए अंदर भी खा रहे हैं बैठे हुए, दिखा दूँ आपको। और कुछ लोग इधर भी खा रहे हैं। मैं थाली दिखा दूँ आपको, भैया के हाथ पीछे बोलो। और ये छोले, आलू, रायता, रोटी। हर्ष एक प्लेट में क्या क्या लगाते हो? 4 रोटी, चावल, 2 सब्जी। और क्या कॉस्ट है? 50 रुपये। रोटी कितनी? हाँ रोटी कितनी? 4 रोटी। अच्छा, और सारा ये कुछ है ना। और ये देखो थाली लगा रहा है। डर बहुत लग रहा है, कह रहा भैया अभी 12th का रिजल्ट आया, वीडियो ना बनाओ आप मेरी। एक तो इसका प्रमोशन कर रहा है हम लोग। भैया आपकी थाली की क्या कॉस्ट है? थाली 50 रुपए। क्या क्या देते हो? 4 रोटी, चावल, सब्जी और रायता वगैरह सब कुछ ही है। सब कुछ। चलिए धन्यवाद भैया। और देखिएगा एक रेहड़ी और लगती है, 3 रेहड़ी लगती है इस तरह से यहाँ श्री राम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और भैया इनसे ही पूछ लेते हैं क्या क्या रखते हैं ये। आपका नाम? मेरा नाम प्रणव राजपूत। प्रणव राजपूत जी, प्रणव क्या क्या रखते हो? सादी रोटी होती है हमारे पास, पराठा होता है आलू का, आलू प्याज का, पूरी अच्छा, होती है। और वेज में क्या क्या है? सब्जी में छोला है। एक बार क्वालिटी चेक करा दो। छोला है, उड़द, कढ़ी, दाल है। एक बार चला के दिखाओ आप इसे, क्वालिटी दिखाओ जरा। दाल है साबुत मसूर की। अच्छा साबुत मसूर है, उड़द है साबुत, और उसमें छोले हैं। और कितने की थाली है जो है कड़ा? शिमला मिर्च आलू की सब्जी है। शिमला मिर्च आलू है इसमें, ग्राइंड हुई है, और रायता है, और रायता है, और कढ़ी है। और कढ़ी थाली 50 रुपये की है। अच्छा। 4 रोटियां उसमें चावल है, दाल सब्जी वगैरह सभी लगा देते हैं। अच्छा। पराठे की 40 के दो हैं, आलू के ले लो चाहे आलू प्याज। अच्छा पराठे की 40 के दो, सब्जी सबके साथ। अच्छा अच्छा, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 7 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे तक मिलता है। टाइमिंग सुबह 7 बजे से 4 बजे तक, और नाइट में टिफिन की और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। वो कॉन्टैक्ट करने पर। चलिए ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर चाहो तो बोल दो आप अपना। 8958951509। एक बार रिपीट और कर दो, 8958951509। और ये प्रणाम जी ने जो नंबर बोला है ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, और टिफिन की सुविधा इनके यहाँ उपलब्ध है, आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और ये देखिएगा कुछ लोग यहाँ जो है लंच कर रहे हैं बैठे हुए और प्रणव जो है थाली लगा रहे हैं। मैं थाली दिखा देता हूँ आपको प्रणव की। छोले की सब्जी लगानी है सर, छोले उड़द और दाल और सब्जी। जीरा प्याज बनाऊंगा अलग से, दाल सब्जी में नहीं डालते, टेस्ट आ जाए। दाल सब्जी बिना प्याज ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर कोई व्रत वगैरह वाला है तो खा ले आराम से। एक मिनट जाओ प्रणव, रोटी नहीं रख रहे हो? रोटी रख लो, रोटी रख लो बेटा इसमें। और ये जो है इनकी श्रीराम, श्रीराम है ना, श्रीराम भोजनालय जो है ये इनकी किचन है। और यहाँ आंटी देखो हाथ से रोटी सेक रही है, बिल्कुल घर की रोटी जो होती है। फुलके फुलके बना रहे हो आंटी आप तवे पर? और बिल्कुल घर वाला स्वाद है रोटी में, एकदम फुलके घर वाले जो होते हैं एकदम। तो आप एक बार यहाँ आ सकते हैं, मैंने आपको पता बता दिया है। उधर नगीना चौराहा है, नगीना चौराहे से हम लोग जब जो है धामपुर रोडवेज बस स्टैंड के लिए जाते हैं तो यह है जस्ट एक्सिस बैंक के सामने। और ये तीनों के तीनों रेहड़ी जो है एक साथ लगती हैं इस तरह से यहाँ। और मेरे साथ में आया था आज किंचित, चलो किंचित बोल लो। चलिए धन्यवाद।